कि धीर वीर गंभीर कर्ण था युद्ध नीति का ज्ञानी। आपके धीर वीर गंभीर कर्ण था युद्ध नीति का ज्ञानी। वीर न उसके जैसा था ना उसके जैसा दानी। धीर वीर गंभीर कर्ण था युद्ध नीति का ज्ञानी। वीर न उसके जैसा था ना उसके जैसा दानी। तीर चलाता विद्युत सा वो शस्त्रों का अभ्यासी। वाणी से शास्त्रार्थ करे तो लगता था सन्यासी। नब तक गुंजित होती उसके धनवा की टंकार। तीर कर्ण के जाकर गिरते सागर के भी पार। तप के बल से वज्र सरीखे थे उसके भुजदंड। क्षण भर में वो कर देता था गिर के अनगिन खंड। रण कौशल में उसके जैसा जग में और नहीं था। दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। रणथल का आभूषण था वह धरती का सम्मान। पन्नों में इतिहास के वो है वीरों की पहचान। पन्नों में इतिहास के वो है वीरों की पहचान। कि कर्ण चला सम्रांगण में अर्जुन का तेज परखने। कर्ण चला सम्रांगण में अर्जुन का तेज परखने। धनवा से अरिमुंड उड़ाने ग्रीवा पर अस रखने। कुरुक्षेत्र में स्वात युद्ध का चखने और चखाने। शूर वीर राधेय चला अब रण कौशल दिखलाने। महावीर जब रथ पर चढ़कर समर भूमि में आया। पांडव सेना पर घिर आई भय की काली छाया। भागो भागो प्राण बचाओ हर कोई चिल्लाया। माधव के अतिरिक्त न समझा कोई कर्ण की माया। केशव बोले सुनो पार्थ तुम समय न व्यर्थ गवाओ। विजय चाहते हो तो पहले अपना बाण चलाओ। दुर्योधन आया है करने मानवता का मर्दन। किंतु कर्ण की मुट्ठी में है मैत्री का प्राण पावन। कर्ण खड़ा है दुर्योधन के प्रति कर्तव्य निभाने। कर्ण खड़ा है दुर्योधन के प्रति कर्तव्य निभाने। युद्ध भूमि में दानवीर आया है कर्ज चुकाने। सूर्य पुत्र यह शूरवीर किंचित भी नहीं चुकेगा। इसके बाणों का अंधड़ अब तुमसे नहीं रुकेगा। अग्निकुंड में घृत समान वो युद्ध को नवस्वर देगा। ताज विजय का दुर्योधन के मस्तक पर धर देगा। कौंतेय ने प्रत्यंचा पर जो ही बाण चढ़ाया। क्षुधित सिंह सा सूर्य पुत्र को अपने सम्मुख पाया। अर्जुन बोला सूत पुत्र मैं तेरे प्राण हरूंगा। धर्मराज के चरणों में कुरुओं का ताज धरूंगा। पांचाली की आंखों में अब आंसू नहीं रहेंगे। अभिमन्यु के हत्यारे भी जीवित नहीं बचेंगे। अभिमन्यु के हत्यारे भी जीवित नहीं बचेंगे। शांत हुई वह अग्नि लगी थी लाक्षाग्रह आंगन में। अरिशोणित से आग बुझेगी धधक रही जो मन में। आग बुझेगी धधक रही जो मन में। कि अर्जुन की बातों को सुनकर भानुपुत्र यह बोला मैंने जिसको योद्धा समझा निकला बालक भोला। भुजबल स्वामी शब्दों से अरियों को नहीं डराते। योद्धा अपने पौरुष का यूं गौरव नहीं गिराते। सच्चे योद्धा शब्द त्याग कर सर से बातें करते। भुज दंडों के दम पर ही वे दुनिया का तम हरते। युद्ध भूमि में परखा जाता रण का कौशल सारा। समरांगण ही तय करता है कौन काल से हारा। लगे बाण पर बाण बरसने युद्ध हुआ तब भीषण। राह पतन की लेकर आया तभी अचानक वहरण। आसमान में विद्युत जैसे सायक लगे तड़कने। दोनों सूरों के भीतर की ज्वाला लगी फड़कने। दृश्य देखकर बाजी गुंजर करने लगे निनादा। कलरव करते खगदल में था छाया घोर विषादा। रण स्थल से दूर नगर के नर नारी चिल्लाए। कुरुक्षेत्र के महाप्रलय से ईश्वर आज बचाए। कुरुक्षेत्र के महाप्रलय से ईश्वर आज बचाए। कुरुक्षेत्र के महाप्रलय से ईश्वर आज बचाए। तभी कर्ण के चंदन का पहिया दलदल में आया। तभी कर्ण के चंदन का पहिया दलदल में आया। बलशाली अश्वों ने अपना पूरा जोर लगाया। लेकिन आज नियत को शायद कुछ स्वीकार नहीं था। पहिया बाहर आ न सका था अब तक धसा वही था। धनुष रखा तब कर्ण निहत्था रथ से नीचे आया। अर्जुन ने भी बाण रोककर क्षत्रिय धर्म निभाया। क्षत्रिय धर्म निभाया। लेकिन माधव कपिध्वज को ललकार अभय हो बोले। लेकिन माधव कपिध्वज को ललकार अभय हो बोले। अर्जुन के ही में नारायण रोप रहे थे शोले। भृगुनंदन का दिया हुआ अभिशाप व्यर्थ ना जाए। शायद इस कारण ही नटवर ने शोले फड़काए। लाक्षाग्रह को याद करो तब युद्ध नियम में झूलो। भरी सभा में पांचाली का दर्द पार्थ मत भूलो। युद्ध भूमि में ऊंच नीच तुम बिल्कुल नहीं विचारो। सूर्य पुत्र की छाती पर अब अंतिम बाण उतारो। कि माधव के वचनों को सुनकर
माधव के वचनों को सुनकर अर्जुन कुछ तक जाया, दिव्य शक्तियों को आमंत्रित कर गांडीव उठाया। माधव के वचनों को सुनकर अर्जुन कुछ तक जाया, दिव्य शक्तियों को आमंत्रित कर गांडीव उठाया। शस्त्रहीन पर लक्ष्य साध कर अर्जुन ने शर छोड़ा, तीर कर्ण को मार विजय रथ पांडव पथ पर मोड़ा। मिली पराजय किंतु कर्ण ने, मिली पराजय किंतु कर्ण ने जय को गले लगाया। रवि का बेटा देह त्याग कर रवि में पुनः समाया। दानशीलता का दानी से, दानशीलता का दानी से हुआ आज अतिरेक। देह दान कर किया कर्ण ने मृत्यु का अभिषेक। ज्ञानी दानी वीर धनुर्धर विदा हुआ था आज। धर्मराज के सिर पर आया कुल का रक्तिम ताज। धर्म